आप सभी का बहुत स्वागत है दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल का आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स। सो वेलकम फ्रेंड्स, किंग ऑफ द शेयर मार्केट। अब कौन है भाई किंग शेयर मार्केट का, ये देखने वाली चीज है। क्योंकि दोस्तों देखिए, दो दिनों में फ्राइडे और मंडे, आज दोनों ही दिनों में मार्केट ने जो जबरदस्त रिएक्शन दिया है एक डाउनसाइड डायरेक्शन के अंदर, वहां पर ऑलमोस्ट सभी स्टॉक्स धराशायी हैं। कुछ रिकवर कर जाते हैं, कुछ धराशायी हो गए। कौन सा वो स्टॉक है जो कि मार्केट के अंदर किंग की तरह खड़ा है? और कहते हैं कि जैसे कि हम देखते हैं कि जो लोग क्रिकेट के शौकीन हैं वो जानते होंगे कि जो प्रेशर में परफॉर्म करे क्रिकेटर वो कोई और नहीं, वो विराट कोहली है। तो ये स्टॉक भी कुछ उसी तरह का है जो प्रेशर में परफॉर्मेंस दे रहा है और प्रेशर में एक विराट कोहली की तरह गेम खेल रही है। ठीक है, तो ये है किंग ऑफ द स्टॉक मार्केट। कौन है इसके बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आप लोग खरीदना चाहें तो खरीद भी सकते हैं, क्योंकि ऐसे समय में भी जो स्टॉक अपने आप को एक जगह पर खड़ा रख सकता है, वो स्टॉक जब तेजी का मार्केट आएगा तो किस रफ्तार से दौड़ सकता है, इसका अंदाज़ा भी आप नहीं लगा सकते। तो गाइज, ये स्टॉक कोई और नहीं, ये अपना रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक है। जी हाँ गाइज, रिलायंस इंडस्ट्रीज जो कि डाइवर्सिफाइड सेक्टर में काम करता है, और आप सभी देख रहे होंगे ये आज भी पॉजिटिव में ही ट्रेड कर रहा है, मतलब ग्रीन में ही ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक। इसका डाउनसाइड लेवल तो मुझे लगता है बहुत ही कम है। फंडामेंटल्स के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, अमेजिंग फंडामेंटल है, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। टेक्निकल के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। टेक्निकल लेवल्स पे अगर मैं बात करता हूँ तो बहुत ही अच्छा स्ट्रांग सपोर्ट मेंटेन कर रहा है ये 1200 के लेवल पर। एंड जैसा कि हमने देखा कि फ्राइडे सेशन में स्टॉक ने जबरदस्त लेवल्स शो किए और स्टिल 1200 के पास ही रहा। आज भी मार्केट जहाँ पर आप देख रहे होंगे, हम सभी देख रहे हैं कि निफ्टी 170 से 180 पॉइंट के नीचे है, सेंसेक्स 500 से 550 पॉइंट नीचे तक जा चुका है, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्री 1220 के आसपास ही स्ट्रांगली खड़ा हुआ है। और ये इंडिकेशन देता है कि दोस्तों कि मैं दबाव में डरूंगा नहीं, मुझे खरीदना है तो तुम खरीद सकते हो, पोजिशनल बाइंग रखो, मैं तुम्हें कराऊंगा बड़ा बड़ा और बहुत बड़ा मुनाफा। जी हाँ, ये रहा इसका 1219 से लेके 1318 यानी कि 1200 से लेके 1320 तक के लेवल जो है, ये इसका रेंज है। एक बार ये रेंज को ब्रेक कर देगा अपसाइड में 1320 के ऊपर, तो आपको 1500 से लेके 1700 तक के लेवल अगले 12 से 18 महीने के अंदर रिलायंस इंडस्ट्रीज में देखने को डेफिनेटली मिलेंगे। दोस्तों डाउनसाइड में अगर गिरावट आती है इनकेस, तो डाउनसाइड में जो इसका बहुत ही स्ट्रांग लेवल रहने वाला है, दैट विल बी द 1150 रुपीज़ का स्ट्रांग लेवल रहेगा। यानी कि जो गिरावट है वो लगभग 50-70 पॉइंट की है, जबकि जो अपसाइड का पोटेंशियल है वो लगभग 300-400 पॉइंट मिनिमम का अपसाइड का पोटेंशियल है अगले 12 से 18 महीने का रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर। सो दोस्तों, जो लोग भी खरीदना चाहते हैं, जो लोग सोचते हैं कि किस कौन से ऐसे स्टॉक में निवेश करें जो बियरिश से बियरिश मार्केट में भी हमें लॉस से बचा के रखे, तो वो दोस्तों कोई और नहीं अपना रिलायंस इंडस्ट्रीज ही है। क्यों? क्योंकि जहाँ पर हमने देखा PNB हाउसिंग, जहाँ पर हमने देखा येस बैंक, जहाँ पर हमने देखा DHFL, जहाँ पर हमने देखा इंडिया बुल्स हाउसिंग, बड़े बड़े दिग्गज बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, मारुति सुजुकी, बड़े बड़े दिग्गज जहाँ पर धराशाही हो गए, वहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपनी पोजीशन को बरकरार रखा। तो ये वो स्टॉक है जो कि किंग ऑफ द मार्केट है, गिरावट में भी अपने आपके पैसे को सुरक्षित रखेगा, आपके निवेश को सुरक्षित रखेगा और आपको तेजी के दौर में शानदार मुनाफे कमाएगा। तो दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में आज हमने जो आपसे चर्चा की, ये हमने टेक्निकली थोड़ा सा आपको एक व्यू दिया, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म का। ये स्टॉक हर कैटेगरी में फिट बैठता है और आपको ज़बरदस्त पैसा, ज़बरदस्त मुनाफा देने की क्षमता रखता है। तो इस किंग ऑफ द शेयर मार्केट स्टॉक को आप धीरे धीरे छोटी छोटी क्वांटिटीज में 5-10 स्टॉक करके अपने पोर्टफोलियो में रखिए। अगले 5 सालों में ये स्टॉक यहाँ से कम 5 गुना ट्रेड करेगा,
यानी कि अगर आज ये 1200 रुपए पे है तो अगले 5 सालों में ये स्टॉक लगभग 5000 to 6000 के रेंज में मिनिमम होगा, मैक्सिमम नहीं बोल रहा हूँ मिनिमम होगा। तो आप यहाँ से ऐड करना शुरू किए 5-10 स्टॉक हर महीने, और उसके बाद 5 साल के बाद इस स्टॉक को एज अ इन्वेस्टमेंट छोड़ दीजिएगा अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए और अपने खुद के लिए, क्योंकि आज से 20 साल के बाद ये स्टॉक आपको जो लाइफ देगा वो आपने आज एक्सपेक्ट नहीं की होगी। अगले वीडियो में जल्दी मुलाकात करेंगे कुछ नए शानदार परफॉर्मेंस के साथ, जो कि इस बियरिश मार्केट में भी खुद को सस्टेन रखे हुए हैं, खुद को अपनी स्थिति में बना के एज इट इज़ रखे हुए हैं, जिनमें आप निवेश कर सकते हैं बिना डरे और अच्छे मुनाफे कमा सकते हैं। तो अगले वीडियो में जल्दी मुलाकात करते हैं दोस्तों, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।